पढ़ते नहीं है ना, सिर्फ नफरत आग दिमाग में भरी गई है, बस मुसलमान ये कर रहा है मैंने हिजाब खतरा देश के लिए, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, मस्जिद खतरा, अजा खतरा, मुसलमानों का वजूद खतरा, हम बोले जा रहे हैं। इनको मदरसों से नफरत है तो बोलो राजा राममोहन राय के शाखा में पढ़े थे, मदरसे में पढ़े थे, और सच्चर कमेटी पढ़ लो, 3% बच्चे पढ़ते मुसलमानों के मदरसों में। आज आप कह रहे हैं कि मदरसों से नफरत, आपको ये बात बताता है कि आपको इस्लाम से मुसलमान से कितनी नफरत है। यही मदरसों से निकलने वाले हुसैन अहमद मन्नी, महमूद हसन साहब माल्टा की जेल में थे, यही मदरसों से पढ़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोग थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, उनके मंत्रालय में मदरसा मॉडरेशन स्कीम है, क्यों चला रहे भाई फिर आप तो बजट पास हो रहा है ना पार्लियामेंट में उसका, यूपी में नहीं है स्कीम में जहां पर योगी मुख्यमंत्री हैं। इनको मदरसों से नफरत है तो बताओ देश की आजादी में जब तुम्हारी तो शाखा बनी नहीं थी, तुम तो अंग्रेजों से बारा का मैंने मिले हुए थे, आप मोहब्बत चल रही थी, आपका लव अफेयर चल रहा था अंग्रेजों के साथ। इन मदरसों के जिम्मेदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, यही मदरसों के लोगों ने अल्लामा फजल खैराबादी 9 मरतबा लिखकर भीख नहीं मांगी अंग्रेजों से, भी जान बख्श दो, अल्लामा फजल खैराबादी फांसी पर चढ़ गए। यही मदरसों से निकलने वाले हुसैन अहमद मन्नी, महमूद हसन साहब माल्टा की जेल में थे, यही मदरसों से पढ़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोग थे। आज आप कह रहे हैं कि मदरसों से नफरत, आपको ये बात बताता है कि आपको इस्लाम से मुसलमान से कितनी नफरत है। और सच्चर कमेटी पढ़ लो, 3% बच्चे पढ़ते मुसलमानों के मदरसों में, सच्चर कमेटी कह रही है। M-Top Banquet Hall versatile for all तकारीब। M-Top Banquet Hall में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौकों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबता कर सकते हैं।